डिसीजन ऑन टाइम, डिसीजन फर्म होकर लेना, ऐसी चीजें इनके अंदर मिस होती हैं। अब यार ये आप तो शो ऑफ कर रहे हैं, बट ये आपकी दिली ख्वाहिश है, आपको अच्छा लगता है कि आपने कोई नई चीज की या फिर कोई अचीवमेंट प्राप्त कर। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे, एस्ट्रोलॉजी पंडित यूट्यूब चैनल के साथ। राधे राधे, आज बात करेंगे मूलांक सात के बारे में। मूलांक सात यानी आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 माना जाएगा। अंग ज्योतिष में मूलांक सात को केतु के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और मूलांक सात का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलता हूँ इन सब के बारे में कि एक वर्ड याद रखिए मूलांक सात के लिए, वो है मिस्टीरियस। अब इस मिस्टीरियस का क्या मतलब है, क्यों मैंने ये शब्द कहा, ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। अब अगर आप में से किसी ने भी केतु की कभी इमेज देखी हो, फोटो देखी हो, आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, केतु के पास अपना हेड नहीं होता है क्योंकि उसके हेड को राहु बोलते हैं, वो नंबर 4 से डिनोट किया जाता है। क्योंकि इसके पास अपना खुद का हेड नहीं है, अपना खुद का सर नहीं है, दैट इज वाई कई बार देखा गया है कि मूलांक सात वाले कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं और डिसीजन ऑन टाइम, डिसीजन फर्म होकर लेना, ऐसी चीजें इनके अंदर मिस होती हैं। अब क्योंकि ये डिसीजन ऑन टाइम लेने में दिक्कत महसूस करते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बड़े डिसीजन अकेले नहीं ले पाते हैं, सो अपने बिजनेस को बड़ा करने में, स्केल करने में असफल रह जाते हैं। कोई बिजनेस जो इनके प्योर डिसीजन पे बेस्ड होता है उसमें ज़्यादा सफलता इनको नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर वहीं पर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बिजनेस तो इनका खुद का है पर इनको गाइड करने वाला, इनकरेज करने वाला, इनको मेंटोरिंग देने वाला कोई है, तो फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। माइंड से ही दूसरी चीज निकल कर आती है रेस्टलेसनेस, ये भी देखी गई है नंबर 7 वालों के अंदर। माइंड से ही तीसरी चीज निकल कर आती है ड्रीम्स। तो कई बार देखा गया है मूलांक 7 है आपका तो आपके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और भगवान करे वो सारे सपने आपके जल्दी से जल्दी पूरे हों। लेकिन जो मेरा यहाँ पे कहने का असली मतलब है, मूलांक 7 वालों के दिमाग में हरदम कुछ गुत्थम गुत्थी चलती ही रहती है। कई बार वो अपने फैमिली को लेके कंसर्न होंगे, कई बार वो अपने दोस्त को, कई बार पड़ोसी को लेकर सोच रहे होंगे, कई सारी ऐसी चीज़ें भी चलती हैं जिनका इस रियलिटी से मतलब नहीं होता है। चलिए, अभी तो मैंने बात करी कि केतु के पास जो चीज़ नहीं है, पर अब बात करता हूँ केतु के पास जो चीज़ है। केतु के पास हेड को छोड़कर पूरी बॉडी है उसकी, और उस बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यस दिल। नंबर 7 वालों, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, लोगों के लिए इतना प्यार भरा है आपके अंदर, आप सबको बहुत प्रेम करते हैं और आपके प्रेम का जो हकदार बन जाए वो लकी है, बहुत लकी मानता हूँ। आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है और वो आप अपने प्यार के माध्यम से लुटाते हैं। इवन कई सारे नंबर 7s को देखा गया है कि वो एनिमल लवर निकल जाते हैं, NGOs में काम करते हैं, सोशल सर्विसेज करते हैं, क्योंकि आपके पास आपका दिल सही जगह पर मौजूद है, इसलिए आप बिलीव करते हैं कि लोगों की हेल्प की जाए। हेल्प पैसों की भी होती है और पैसों की हेल्प आप करते हैं और यहीं पर कई बार फंस भी जाते हैं। पैसों की हेल्प अक्सर देखा गया नंबर 7 ने जब जब की है तब तब उनके पैसे वापस टाइम से लौट कर नहीं आए हैं। एनीवेज, हेल्प करने का नेचर एक अच्छा नेचर है, आप इसको कैरी ऑन करते रहिए। और केतु के पास क्या है, केतु के पास है उसके पैर और उसके हाथ, दैट इज वाई नंबर 7 बहुत एक्टिव होते हैं। नंबर 7 के अंदर आलस अक्सर कम देखा गया है। नंबर 7 अपने घर के काम में हो, ऑफिस का काम हो, इनका पर्सनल डेवलपमेंट का कोई भी काम हो, बहुत ही तेजी में करते हैं, फुर्ती में करते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, कई सारे काम एक साथ करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं, एक्टिव होते हैं, इन शॉर्ट अगर हम इसको समझें। अब क्योंकि आपके पास दिल है तो इस दिल से सिर्फ प्यार नहीं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि आपका दिल दुख जाता है। यस, नंबर 7 कई बार देखा गया है कि आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातें आपको घाव पहुंचा जाती हैं, आपके दिल में घर कर जाती हैं, सो आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, चिंताओं की वजह से आपका स्ट्रेस, आपके अंदर टेंशन स्वाभाविक रूप से आ जाती है। एक्चुअली इस चीज़ पे मैं और जोर देकर बोलना चाहूँगा कि ये टेंशन जो कि छोटी छोटी बातों से आई है, कोई बहुत गंभीर बात नहीं हुई है और वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आपकी टेंशन डिप्रेशन में भी बदल सकती है, आपकी टेंशन एंजाइटी प्रॉब्लम्स में भी बदल सकती है। तो नंबर 7 पीपल, नंबर 7 मूलांक वाले लोगों को अक्सर देखा गया है कि आप टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी आपको पकड़ लेती है।
लेकिन आप इस चीज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके, जिमिंग करके, योगा करके, और आपको फॉर्चुनेटली इसमें इंटरेस्ट भी होता है। आप बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं, अक्सर देखा गया है कि नंबर 7 वाले कुछ ना कुछ हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, भले वो डाइट हो, फिर जिमिंग हो, जॉगिंग हो, एक्सरसाइजिंग हो, जुम्बा हो, कुछ ना कुछ आप जरूर करते रहते हैं। आपको इंटरेस्ट भी है इस चीज में, दिल है, दिल से प्यार निकल कर आया, दिल से सेंसिटिविटी निकल कर आई, दिल से एक चीज और निकलती है कि आपको चाहिए, आपके दिल की ये बड़ी ही छुपी हुई ख्वाहिश है कि लोग आपको एडमायर करें, लोग आपकी चीजों को देखें और उसकी तारीफ करें। और कई बार इसको शो ऑफ के रूप में देख लिया जाता है कि यार ये आपको शो ऑफ कर रहे हैं, बट ये आपकी दिली ख्वाहिश है, आपको अच्छा लगता है कि आपने कोई नई चीज़ की या फिर कोई अचीवमेंट प्राप्त करी या आपकी लाइफ में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आई, तो आप वो लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन आप जब शेयर करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये तो शो ऑफ कर रहा है। तो यही कई बार आप इस चीज के लिए मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। अब आप याद करिए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था नंबर 7 वालों के लिए एक वर्ड है मिस्टीरियस। अब मैं उसका मतलब आपको समझाता हूँ। अगर आप सोलर सिस्टम में देखें तो केतु कहीं नहीं है, फिर भी इसको एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में ग्रह की उपमा दी गई है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है। अब क्योंकि ये एक सोलर सिस्टम में कहीं दिखाई नहीं देता, जैसे कि मार्स दिखाई देता है, जुपिटर दिखाई देता है, शनि ग्रह दिखाई देता है, पर केतु नहीं दिखाई देता हमें कहीं भी। जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो अक्सर समझ में नहीं आती है, और उसे हम कहते हैं कि इट इज़ अ मिस्ट्री। सो इसी तरह के आप लोग हैं, आपको मिस्टीरियस चीज़ें करने में, उसमें रीडिंग करने में, उसको समझने में बहुत दिलचस्पी होती है। मिस्टीरियस चीज़ों में मेरा मानना है कि आपको कई बार इंटरेस्ट होता है सुपरस्टिशियस थिंग्स में, जैसे कि भूत प्रेत। आपको मिस्टीरियस साइंस जैसे कि अकल्ट साइंस उसमें आ जाता है, ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरोट, अपना जितनी भी इस तरह की साइंस होती हैं, अकल्ट साइंस, उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत होता है, और अगर आप इसमें अपना करियर बनाते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। मेरा डेस्टिनी नंबर खुद नंबर 7 है और मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत मज़ा भी आता है। इसी चीज़ को आगे अगर थोड़ा और एलोबरेट करें तो निकल कर आता है रिसर्च, यस, निकल कर आता है कि एक क्यूरियोसिटी, यस। नंबर 7 आपको अक्सर देखा गया है कि आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी हर दिन रहती है, हर दिन आपका मन करता है कि कुछ नई चीज़ सीख लूँ, हर दिन आपका मन करता है कि अपनी फील्ड की तो नॉलेज मुझे हो गई पर कुछ देश में क्या चल रहा है, कुछ पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, और दुनिया भर की चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, रुझान रहती है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि आपके पास बात करने के लिए काफ़ी सारा कंटेंट रहता है, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी आपको काफ़ी सारी नॉलेज देती रहती है। रिसर्च फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आपको डीप जाना, किसी चीज़ के एकदम जड़ तक चले जाने में विश्वास होता है, आप करते भी हैं। यहीं से निकल कर आता है क्रिटिसिज्म, यस। आप क्योंकि इतना डीपली चीज़ों को देखते हैं, आपकी देखने की नज़र इतनी है कि आप वो चीज़ तक देख लेते हैं जो अक्सर आम जनता नहीं देख पाती है। दैट इज़ वाई आप एक बहुत अच्छे क्रिटिक है, बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म करते हैं। हर एक की लाइफ में नंबर 7 जैसा क्रिटिक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको गलतियाँ बताते रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब कोई आपकी गलती आपको बताता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। हम सबको नहीं अच्छा लगता है, पर आप थोड़ा दिल पे ही ले जाते हैं उस चीज को। बढ़ते हैं, बात करते हैं मिस्टीरियस से निकल कर आता है कि आप सभी के अंदर लगभग 90% नंबर 7 के अंदर एक डिवाइन पावर मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाई है कि आप सभी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी गट फीलिंग आपको हमेशा रास्ता दिखाती रहती है लाइफ में। और अगर आप इस पर काम करें, काम कैसे करना है वो भी बताता हूँ, और इसको थोड़ा और ब्लॉसम होने दें, थोड़ा और खिलने दें इस डिवाइन पावर को, तो आप लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम कर दे जाते हैं और आप अपनी पीढ़ियों के लिए नाम बनाकर चले जाते हैं। और ये डिवाइन पावर, इंटीट्यूट पावर, गट फीलिंग आपको पहले से ही बता देती है कि आगे चलकर क्या होने वाला है। आपको पहले से ही वाइब्रेशंस आ जाएंगे, अंदेशा लग जाएगा, किसी प्रकार के सपने आ जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो आप बेहतर समझते होंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और फिर वो हो जाता है। जब तक जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये पावर और स्ट्रांग होती जाती है, पर इस पावर को निखारने की ज़रूरत है, इसको पॉलिशिंग की ज़रूरत है, और वो आप कर सकते हैं मेडिटेशन से। ऑल दो नंबर 7 बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाए गए हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत यकीन होता है, रिलीजियस होते हैं नंबर 7 वाले लोग, और इस तरह से पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट पहले से रहता है। अगर नहीं है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी ये डिवाइन पावर अगर एक बार निखर कर सामने आ गई, पॉलिश हो गई, फिनिश हो गई, तो सोचिए आपका कितना फ़ायदा हो सकता है। चीज़ें जो होने वाली हैं उनका अंदेशा पहले से लग जाए, किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं तो वो आपके लिए सही है या फिर किसी गलत इंटेंशन के साथ
आपसे मिल रहा है इसका भी पता आपको चल जाता है, तो इस पर आप काम कर सकते हैं। मिस्टीरियस से एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ बोली नंबर 7 के बारे में, और हो सकता है कि कुछ नंबर 7 वाले कहें कि अरे मैं तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अरे पंडित जी आप ये क्या बोल रहे हैं। यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि मिस्ट्री तभी तक है जब तक वो सॉल्व नहीं हुई है। तो नंबर 7 की मिस्ट्री आज तक न्यूमरोलॉजी में बनी हुई है। इतना सारा जो मैंने आपको बताया ये रिसर्च है, कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी, मेरी भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस इसमें शामिल है, लेकिन हाँ नंबर 7 वाले टोटली डिफरेंट हो सकते हैं इन क्वालिटीज से। और लेकिन अक्सर देखा गया है कि 80% ऐसे ही होते हैं जैसा कि इस वीडियो में आपको बताया गया है। अब बात करते हैं नंबर 7 की हेल्थ के बारे में। नंबर 7 केतु के पास क्या है, उसका धड़, उसका दिल। तो उसके दिल की समस्याएं आपको अक्सर हो जाती हैं, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स आपको जल्दी खेल लेती हैं, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ऑर्थराइटिस, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको जल्दी हो जाती हैं। ब्रेन नहीं है तो ब्रेन की कंफ्यूजन जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, तो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, टेंशन, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाना, इतना ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाना, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपके पास देखी गई हैं। नंबर 7 आपके लिए आपके सोलमेट नंबर, आपके लकी नंबर, अक्सर देखे गए हैं कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी नंबर आपका एंटी नहीं है, कोई भी नंबर आपका एनिमी नहीं है। आपकी मोटे मोटे तौर पर अक्सर सभी नंबर वालों से बन जाती है, और अगर फिर भी आप पूछें कि सबसे ज़्यादा लकी कौन है, तो मेरा मानना है कि नंबर 7 के लिए सबसे ज़्यादा लकी नंबर 1 माना जाता है, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, ये सीक्वेंस रहेगा सबसे ज़्यादा लकी का। ऑल्दो आपके लिए कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, आप सबके फ्रेंड हैं और या फिर आपके न्यूट्रल रिलेशनशिप्स हैं, अदरवाइज ज़्यादा एनिमिटी आप यकीन भी नहीं रखते दुश्मनी करने में, बदला लेने में, और ऐसा ही आपका न्यूमरोलॉजी नंबर भी कहता है। एक चीज़ है जो और एक्सपीरियंस से मैंने देखी है, पाई है, जितनी भी नंबर 7 की फीमेल्स होती हैं उनके जब चाइल्ड होते हैं तो अक्सर 2 चाइल्ड होते हैं, दोनों ही सेम जेंडर के होते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि ये बात हर ऑलमोस्ट 100% नहीं एक्यूरेट होगी, बट हाँ 60% केसेस में मैंने ऐसा पाया है कि 10 में से 6 वुमेन हैं, महिलाएं हैं और नंबर 7 हैं, तो उनके 2 बच्चे होंगे, दोनों बच्चों के जेंडर सेम होंगे। ओके आगे बात करते हैं कुछ टिप्स नंबर 7 के लिए। नंबर 7 मेरी टिप्स आपको ये रहेगी कि सबसे पहले तो लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग आपको, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, और आमतौर पे जो व्यक्ति डिसअपॉइंटमेंट को जितनी जल्दी रिकवर हो जाता है आप नहीं हो पाते हैं, आपको टेंशन, स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन हर किसी से छोड़ दीजिए और खुद में खुश रहना सीख लीजिए। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि किसी न किसी तरीके की मेडिटेशन, ध्यान लगाने की चीज़ों से जुड़िए, वो वाटर मेडिटेशन हो, साउंड मेडिटेशन हो, या फिर बौद्धिक हो, या फिर जैनिज्म हो, कैसा भी मेडिटेशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिटेशन होना चाहिए, आपके ब्रेन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप दुनियादारी के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा संसारिक होते हैं, तो आपकी मूडीनेस इंक्रीज होती है, आपके थॉट्स बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। नंबर 7 इसी वजह से मैंने मेडिटेशन की जो चीज़ आपको कही वो इस वजह से भी कही, क्योंकि जब आपका करियर बनाने का समय होता है तो कई बार देखा गया है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, और उस लो कॉन्फिडेंस के लिए और बाकी सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बताई, जितनी भी बताई उनको सॉल्व करने के लिए आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना ज़रूर चाहिए। भगवान सूर्य को आप जितना जल चढ़ाएंगे किसी भी प्रकार की बीमारी आपको नहीं पास आएगी, किसी प्रकार की टेंशन, स्ट्रेस तो दूर दूर तक नहीं आएंगी, और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से आपका निखार बढ़ता है, आपके चेहरे पे एक ग्लो आता है, एक तेज आता है, सूर्य जैसा तेज आता है, और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये था मेरा एनालिसिस मूलांग 7 के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, और इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस डेली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।